नमस्कार दोस्तों, विवेक टीवी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और मेरे पास है आज यहाँ पर सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A10s। और आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बात करें डिवाइस सॉरी बॉक्स पर लगे हुए हाईलाइट फीचर्स की। तो इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, डुअल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, साथ ही 4G वोल्टी ऑक्टोकोर प्रोसेसर, 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 2GB रैम, 32GB स्टोरेज। तो बॉक्स को कर लिया मैंने ओपन, और बॉक्स ओपन करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स और है इसमें, देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो इसमें आपको मिलते हैं कुछ पेपर वर्क, यानी कि बैक कवर आपको नहीं मिलेगा, उसके जस्ट नीचे आपको रखा हुआ मिल जाएगा ये सैमसंग गैलेक्सी A10s। साथ ही बात करें इनबॉक्स आइटम की, तो इसमें जो चार्जर मिलता है उसकी रेटिंग है यहाँ पर 5 वोल्ट 1.55 एम्पियर की, यानी कि फास्ट चार्जर इसको हम नहीं बोल सकते। साथ ही USB 2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही बॉक्स में नीचे मिल जाएगा आपको उससे मेजर टूल्स। बात करें डिवाइस की, तो ये है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A10s, और इसको रैपर को इस पे से हटाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो ये गैलेक्सी A10s दिखने में A10 से बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर आपको मिलेगा बैक से, क्योंकि इसकी जो शाइनिंग है वो अपन समझ सकते हैं जस्ट लाइक A20। और ये फिंगरप्रिंट आपको मिलता है, लेकिन फिंगरप्रिंट का डिज़ाइन चेंज है। और बात करें बॉडी डिज़ाइन की, तो राइट साइड में आपको पावर की मिलेगा, टॉप पर मिल जाएगा नॉइज कैंसिलेशन माइक, लेफ्ट में आपको मिल जाएगा सिम ट्रे और ये वॉल्यूम की उसके जस्ट नीचे। बॉटम की बात करें तो यहाँ पर स्पीकर, चार्जिंग जैक, माइक और ईयरफोन जैक आपको मिल जाएंगे। बैक पर मिल जाएगी सैमसंग का लोगो, फिंगरप्रिंट सेंसर और ये डुअल कैमरा सेटअप। और ये हो गई बॉडी डिजाइन की बात। फ़ोन को करते हैं बूट और देखते हैं हार्डवेयर आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये फ़ोन हो गया है बूट, और आप देख सकते हैं डिस्प्ले है इसकी 6.2 इंच की HD+ IPS TFT डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ये है इसका नोटिफिकेशन पैनल, और इसमें आपको वन UI मिलता है, तो वन UI के सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बात करें डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो डिस्प्ले चलाने में सही है, और क्योंकि इसमें वन UI मिलता है, तो वन UI काफ़ी अच्छी तरह से वर्क यहाँ पर करता है। तो बस एक ही कमी रह गई, सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें आपको नहीं मिलता है, IPS डिस्प्ले ही मिलेगा। बाकी बैक से A20 जैसा ही फ़ोन आपको दिखेगा। ब्राइटनेस लेवल काफ़ी अच्छा है फ़ोन का, आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी शानदार इस फ़ोन की यहाँ पर मेरे को लग रही है। बात करें अगर हार्डवेयर की, तो वो पूरी तरह से डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 9 Pi तो मिलता है और मिलना भी चाहिए, लेकिन जो इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा वो है हीलियो P22 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि वर्क करता है 12nm टेक्नोलॉजी पर। साथ ही 4000mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल रही है। बात करें एडवांस फीचर्स की, तो कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं, जैसे डायरेक्ट शेयर, मोशन जेस्चर आपको कुछ मिल जाएंगे यहाँ पर, फिंगरप्रिंट जेस्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डुअल मैसेंजर मिल जाएगा, पैनिक मोड और नेविगेशन बार को हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। और सैमसंग का एक खास फीचर्स जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, डिजिटल वेलविंग, इसमें आपका पूरा मोबाइल ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, और आप अपने पूरे डिवाइस के सारे नोटिफिकेशन को यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन कितनी बार आपने यूज़ किया है, कितने टाइम यूज़ किया है। बात करें अवेलेबल स्टोरेज और मेमोरी की यहाँ पर, तो 32GB में से 9.8GB यूज है, एक भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अभी इसमें डाउनलोड मैंने नहीं किया है। और बात करें रैम की, तो 2GB रैम में से 8.44MB रैम यहाँ पर यूज़ हो रखी है। तो बात करें अब लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी की, तो फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों ही लॉक आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, और मैं आपको चेक करके बताऊँगा किस तरह से ये यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, अच्छा या बेकार। तो सेट कर लेते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक, और चेक करेंगे किस तरह से यहाँ पर ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं यहाँ पर फेस लॉक, और ये मैंने यहाँ पर किया पावर ऑफ बटन प्रेस, और डिस्प्ले इसकी ऑन हुई, और जैसे ही मैंने फेस के सामने इसको किया, इसने फ़ोन कर दिया यहाँ पर अनलॉक। और ट्राई करते हैं एक और बार, तो फिर से करते हैं, ये हो गया अनलॉक। तो फेस लॉक अच्छा खासा वर्क कर रहा है यहाँ पर, और फिंगरप्रिंट लॉक चेक करते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर स्लो लग रहा है। फिंगरप्रिंट लॉक एक और बार चेक कर लेते हैं, तो ये स्लो ही है अभी, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह इसमें आ जाए उससे फास्ट हो जाए, क्योंकि A50 का भी ऐसा ही काफ़ी फास्ट हो गया है। बात करें कैमरे की, तो 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है, फोकल वैल्यू 1.8, और 2 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंस जिसकी फोकल वैल्यू है 2.4। और फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, पैनोरामा शॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, प्रो मोड मिल जाएगा, लाइव फोकस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा,
और साथ ही फ़ोटो मोड जिसमें ब्यूटी मोड आपको मिल जाएगा, फ्लैश का ऑप्शन है और टाइमर भी आप सेट कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर ये एक जूम का ऑप्शन भी है और फिल्टर्स आप अपने फ़ोन फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो मोड की बात करें तो वीडियो मोड में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है, स्टिकर्स वगैरह ही मिलेंगे। और बात करें अगर रिकॉर्डिंग की तो फुल एच डी तक का वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे A10s के रियर कैमरे से। बात करें हम यहाँ पर फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है इसमें 8 मेगापिक्सल का, जिसकी फोकल वैल्यू है 2.0। और जो फीचर्स आपको रियर में मिल रहे हैं यानी कि वीडियो मोड, फोटो मोड और लाइव फोकस, वही सारे मोड्स आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरे में भी मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों यहाँ पर फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। फुल एच डी तक का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरे में भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों ही साइड से आप फुल एच डी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। साथ ही फोटो मोड में ये आपको वाइड सेल्फी का ऑप्शन मिलता है और लाइव फोकस में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, स्टिकर्स और ब्लर आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हो गया A20 का कैमरा। अब बात करें इसके प्रीलोडेड एप्लीकेशन की तो ज़्यादा नहीं है, फेसबुक, अमेज़ोन और ये booking.com, Reliant, Hello, ये कुछ एप्लीकेशन थर्ड पार्टी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। बात करें इसकी प्राइस की तो 9,490 रुपये का ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जल्द ही हो सकता है एक दो दिन में ही आपको मिल जाए। तो ये था दोस्तों हमारा सैमसंग गैलेक्सी A10s का अनबॉक्सिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और जल्दी इसके और भी कंपैरिजन में अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।